सब्सक्राइब कीजिए निशाई क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेस। मैं चंदन सिंह। आज देखते हैं क्वेश्चन विद्युत चालन का। संलग्न प्रपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें। इसमें दिया हुआ है ये तीन है, ये भी तीन है, ये भी तीन है, तीन तीन ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो संलग्न प्रपथ में तीनों प्रतिरोध जो हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, टोटल हो जाएगा 3 1 + 1 + 1, फिर 3/3 कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से R की वैल्यू जो है 1 ओम आएगी, 1 आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको हम नोट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा R1 मान लेते हैं, वो दिया है R, और R2 जो है हमें निकालना है। फिर यदि तार को खींच के इसकी लंबाई n गुनी करनी है तो L1 मान लेते हैं L, और L2 जो है उसे मान लेते हैं nL। अब इसे इस फार्मूले को हम लगाएंगे R अनुपाती L स्क्वायर के फार्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला R1/R2 इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका मान हम निकाल लेते हैं, R1 का मान R रखेंगे, R2 हो जाएगा L1 को हम L रखेंगे, और ये हो जाएगा nL, इनका होल स्क्वायर कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये हो जाएगा R/R2 इक्वल टू 1/n2। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी n²R, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना हमें करनी है। तो हम R/L² के फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली हम इसको सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा R2/R1 बराबर L2/L1 का होल स्क्वायर। अब L2 हमें पता नहीं, L2 को निकालना है, यानी कि 10% ग्रोथ कर रहा है, तो जाएगा L प्लस L गुड़े 10/100 का होल स्क्वायर, और L1 की जगह पर हम L लिखेंगे, हो जाएगा L²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 × 10 = 11 हो जाएगा, हो जाएगा 11L और बटे L का होल स्क्वायर, L से L को क्रॉस कर देंगे। तो ये जब हम टोटल करते हैं तो R2/R1 बराबर ये आपका आएगा 121/100। अब हम बोथ साइड सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 1 कर लेंगे, दोनों तरफ माइनस का 1, 121/100 माइनस का 1। अब इनको पहले हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा R2/R1/R1 इक्वल टू 121 - 100/100। ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21/100। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा R2/R1/R1 इक्वल टू, इसका अगर परसेंट निकालेंगे 100 कर देंगे यहाँ, तो हो जाएगा 21/100 × 100 क्रॉस किया, आंसर आपका 21% आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जब दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान 25 ओम हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 25 ओम। और फिर अगर उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2 बराबर, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर भी R1 प्लस R2 हो जाएगा, वो लासा लेने पर तो हो जाएगा 1/4। अब इसकी वैल्यू है 25, तो 25 रखेंगे बटे R1 प्लस R1 इंटू R2 इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी 100। उसके बाद हमें R1 और R2 का मान निकालना है, तो इसके लिए आपने एलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा, उसी से सॉल्व करेंगे। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 4R1 R2। तो R1 R2 की वैल्यू है 25 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 100, तो हो जाएगा आपका 600। 25 माइनस 400, आंसर आएगा आपका 225 होल स्क्वायर का। अब जब R1 माइनस R2 निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, और R1 प्लस R2 की वैल्यू आपने निकाली है 25। दोनों को हल कर लेंगे, इसको क्रॉस किया तो ये हो जाएगा 2R1 बराबर, इसको ऐड कर देंगे हो जाएगा 40, ये आपका आ जाएगा 20। अब किसी इक्वेशन में इसका मान रख देंगे, इसमें रखा 20 माइनस 15 बराबर 20 माइनस R2 बराबर 15, 15 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका R2 का मान जब आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा, 15 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से आपके दोनों के मान ये जो है चलते हैं। संलग्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए, इस प्रकार का ये दिया हुआ है, 8, 8, 8, 2, 4 और 6 के लगे हुए हैं। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 8 ओम और 6 ओम जो है वो श्रेणी क्रम में है, 8 व 6 श्रेणी क्रम में है, और उसके बाद 2 और 4 जो हैं वो भी श्रेणी क्रम में है, 2 और 4 भी श्रेणी क्रम में है, और उसके बाद दोनों जुड़ने श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो हम इनको कर लेते हैं, R बराबर हो जाएगा, R1 बराबर मान लेते हैं 8 प्लस 2 बराबर ही हो जाएगा 8 प्लस 6 है, तो ये 8 प्लस 6 हो जाएगा 14 ओम। उसके बाद दूसरा निकालते हैं, वो 2 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 6 ओम। अब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो R' बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 तो हो जाएगा 1/14 और प्लस का 1/6। अब इनका लासा निकालेंगे, 14 और 6 का लासा हो जाएगा 42, तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 7। टोटल मान निकलेगा 10/42 1/R'। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो R' की वैल्यू जो है वो आएगी 4.2 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा।